हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। बच्चों, ये वीडियोस मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रही हूं। यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और वो भी इन वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि मेरे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। तो चलिए, अभी तक यहां पर हम क्वेश्चन नंबर कहां तक कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 24 करने वाले हैं। ये अभी कैश कंसिडरेशन के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। यदि कोई भी आपको डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बहुत प्यार से मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत ही सही लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एंटोनी लिमिटेड इशू 20,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 10% डिस्काउंट टू मीटो लिमिटेड। ठीक है ना, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एंटोनी लिमिटेड ने इशू किए 20,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से डिस्काउंट पर। ठीक है ना, 10% डिस्काउंट पर। और उस किसको दे दिए? मीटो लिमिटेड को, क्योंकि होम एसेट्स ऑफ 23,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6,00,000 वर टेकन ओवर। क्योंकि उसने उनकी एसेट्स को ले लिया था, तो एसेट्स को लेने के बदले डिबेंचर जो इशू किए गए थे वो इनको दे दिए गए। अब नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। इफ दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम एट 5% प्रीमियम, ये कह रहे हैं कि जो डिबेंचर इशू किए गए हैं वो 5% प्रीमियम पर रिडीम किए जाएंगे, तो बस उसी हिसाब से हमें यहाँ पर जनरल एंट्री को करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या जनरल एंट्री होगी? एसेट्स को लेने की जनरल एंट्री होगी। तो मेरे साथ आप करते जाइए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? यहां पर लाइबिलिटीज भी दी हुई है, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट एंड टू किससे लिए हैं एसेट्स? किससे लिए हैं? मीटो लिमिटेड से, मीटो लिमिटेड। ठीक है, अकाउंट। तो यहां पर एसेट्स कितने की ली गई हैं? 23,50,000 की। कितने शेयर इशू किए गए थे? डिस्काउंट पे इशू किए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब हमने डिस्काउंट पे इशू किया तो मतलब जो 100 का था उसे 90 में इशू किया गया था। प्राइस कितना है? 20,000 है। तो यहाँ पर मैं जब 20,000 का 90 में इंटू करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 18,00,000। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ मेरी कितनी दी हुई हैं? 6,00,000 दी हुई हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करके मैं 23,50,000 में से माइनस करती हूँ। तो देखिए, पहले तो 18,00,000 और 6,00,000, देखिए कितना आता है अमाउंट। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 24,00,000 और यहाँ पर है 23,50,000। तो कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस है 50,000 का। तो जो डिफरेंस आएगा उसे मैं कहाँ पर डालूंगी? गुडविल अकाउंट में। ये चीज़ तो आपको पता ही है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। यदि यहाँ का ज़्यादा होता, यहाँ का कम होता, तो कैपिटल रिजर्व में डाल देते। तो ये 50,000 को हम कहाँ पर डाल देंगे? इस 50,000 को हम गुडविल अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर हो गया। अब इसकी सेकंड एंट्री देखते हैं, सेकंड एंट्री क्या होगी? चलिए, कौन है ये? मीठो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है बच्चों? 10% डिबेंचर। ठीक है, सॉरी, 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर। और जो रिडीम होंगे वो किस पे होंगे? वो प्रीमियम पर होंगे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, यहां पर मैंने पहले एंट्री कर दी है। अब एंट्री करने के बाद अमाउंट लिखने से पहले मैं क्या निकालूंगी? अमाउंट लिखने से पहले मैं निकालूंगी नंबर ऑफ डिबेंचर। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, ऑफ डिबेंचर। आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है? वैल्यू ऑफ एसेट्स प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है? वैल्यू ऑफ एसेट्स है 18,00,000 और प्राइस कितना है? 90। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, तो जब आप करेंगे तो कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा 20,000
और अब 20,000 को यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, 20,000 का कितने में इशू किया गया था, 100 में, तो 20,000 इंटू 100, ठीक है, प्रीमियम कितना है, 5% है, तो 20,000 इंटू 5, ठीक है, ये कितने के थी, एसेट्स कितने की हुई थी, 18 लाख की, यहाँ पर मैं 18 लाख लिख दूँ, इस पेन से लिख देती हूँ, 18 लाख की, यहाँ के पर कितना आएगा, 20 लाख, यहाँ पर आएगा 1 लाख, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 18 लाख, मतलब यहाँ पर आ रहा है 21 लाख और यहाँ पर आ रहा है 18 लाख, मतलब इशू किया गया था डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे शेयर को, और जब रिडीम किए गए तो 5% प्रीमियम पर रिडीम किए गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिबेंचर पर लॉस हो गया किसको, फर्म को, ठीक है ना, उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ गया। तो जब हम ज़्यादा देने के लिए एंट्री करेंगे, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस में मुझे लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया डिस्काउंट पे इशू किए और प्रीमियम दे दिया, कितना प्रीमियम दे दिया, 5%, तो लॉस हो गया, तो कितने का लॉस हो गया, 3 लाख का, तो एंट्री बनेगी मीटो लिमिटेड अकाउंट डेबिट 18 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज 3 लाख, टू 9% डिबेंचर 20 लाख, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं पर थोड़ा सा घुमा के दिए हुए हैं, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस ऑफ ऑन 1/4/2020, द डिटेल ऑफ एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग टू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी टेकन ओवर, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बुक वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एग्रीड वैल्यू से, मतलब जिस वैल्यू पे एग्री हुए हैं उस वैल्यू से हमें मतलब है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन 7 लाख ट्रूथ चेक, मतलब जो भी एसेट्स की वैल्यू डिसाइड हुई है उसमें से 7 लाख का क्या करना पड़ेगा, इनको चेक से दे रहे हैं, ये पेमेंट जो कर रहे हैं चेक से कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं डिबेंचर दे रहे हैं, एंड बैलेंस बाय इशू 2,09% डिबेंचर 20 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखनी है आपको बात कि एसेट्स की टोटल वैल्यू नहीं दी है, तो हमें एसेट्स की टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो 2 लाख है, ठीक है, 7 लाख तो चेक से है ना, चेक से कितना है 7 लाख, ठीक है, डिबेंचर कितना है, डिबेंचर है 2 लाख, और इशू कितने पे किए गए थे, 25% प्रीमियम पर, ठीक है ना, तो 20 ईच के हिसाब से थे और प्रीमियम 25% था, तो 20 का 25% प्रीमियम, तो कितना हुआ, 20 का 25 मतलब 5, तो मतलब कितना हुआ, 20 प्लस 5 25 पर इशू हुए, ठीक है, तो यहां पर 2 लाख में मैं जब 25 का इंटू करूंगी, करिए 2 लाख इंटू 25, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 50 लाख, ठीक है, और ये 7 लाख तो है ही, ये 50 लाख और ये 7 लाख है जो चेक से दिए हैं, तो 50 लाख प्लस 7 लाख इज इक्वल टू 57 लाख क्या हो गई, टोटल परचेज हो गया, चाहे वो एसेट्स हो चाहे क्या लिया था इन्होंने, बिजनेस लिया था, टोटल जो बिजनेस का टोटल बिजनेस परचेज कितने में, 57 लाख में, क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब हम जनरल एंट्री करते हैं, सबसे पहले क्या जनरल एंट्री होगी, सबसे पहले जो जनरल एंट्री होगी वो यहां पर होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स, तो टू क्रेडिटर्स एंड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों क्या हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, तो कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी,
ठीक है, और कितने का खरीदा है बिजनेस? 57 लाख का। तो टू किससे, क्या नाम दिया है उसका जिससे बिजनेस खरीदा है? अजय एंटरप्राइजेस। टू अजय एंटरप्राइजेस, ठीक है। चलिए अब मैं अमाउंट लिख रही हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा अमाउंट को, 35 लाख, ठीक है। मैं पूरा लाख नहीं लिख रही हूँ, एल लिख रही हूँ। यहाँ पर 8 लाख, यहाँ पर 4 लाख, यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इसमें ये थोड़ा सा सामने नहीं आया, मैं सामने लिख देती हूँ ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये 4 लाख और ये भी 4 लाख, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, मैं इधर कर देती हूँ इसको। और इसके बाद क्रेडिटर्स कितने के थे? 3 लाख, 1 लाख का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जो खरीदा था बिजनेस वो 57 लाख का। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं हम इन सब का, बराबर आ रहा है क्या? 35 + 8 + 4 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर 51 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 57, 58, 59, 60, यहाँ 61 आ रहा है और यहाँ पर 51 आ रहा है, मतलब 10 लाख का डिफरेंस है। तो 10 लाख कहाँ पर डाल देंगे? 10 लाख को हम डाल देंगे गुडविल में। क्लियर हो रहा है ना? जब बैलेंस का डिफरेंस होता है तो हमें यही करना होता है। तो 10 लाख कहाँ पर आ जाएगा? गुडविल अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो गया बच्चों? 10 लाख। समझ में आ रही है चीज? बस सिंपल सी चीज है, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें, ठीक है। अब सेकंड एंट्री करते हैं। ये तो सारी एसेट्स की एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री किस चीज की होगी? सब सेकंड एंट्री करने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे यहाँ पर निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। तो चलिए नंबर ऑफ डिबेंचर कहाँ पर निकालती हूँ? यहाँ पर वर्किंग नोट करके निकाल देती हूँ, वर्किंग नोट नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए जो 57 लाख है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे उसमें से क्या करना पड़ेगा? 57 लाख में से जो 7 लाख में चेक के थ्रू दे रही हूँ, ठीक है, 7 लाख में किसके थ्रू दे रही हूँ? ये लिखा है ना, देखिए, सॉरी, 7 लाख में किसके थ्रू दे रही हूँ? देखिए 7 लाख चेक के थ्रू दे रही हूँ, तो चेक वाले अमाउंट की एंट्री मैं बाद में करूँगी, ठीक है। चाहे तो हम पहले भी कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर पहले ऐसा करते, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम पहले ही एंट्री कर देते हैं। अजय अकाउंट, अजय एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना आया? 7 लाख। तो ये बैंक चेक के थ्रू पैसा दे दिया, ठीक है, ये एंट्री हो गई, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री, ठीक है। पेन मेरा ग्रीन हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गई, अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। तो अब जब हम थर्ड एंट्री करेंगे तो जो 57 लाख है, 57 लाख में से जो हमने ये 7 लाख दे दिए हैं, किसके थ्रू दे दिए हैं? ये 7 लाख हमने बैंक के थ्रू दे दिए हैं, तो पहले मुझे इनको माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ आ जाएगा 50 लाख, और 50 लाख में से जो मेरे इशू ऑफ डिबेंचर हैं, कितने हैं इशू ऑफ डिबेंचर मेरे, कितने में इशू किए थे? देखिए इशू ऑफ डिबेंचर हैं 20, जिसमें क्या किया था मैंने, प्रीमियम पे 25% प्रीमियम पर इशू किए थे। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 25। तो जब मैं 50 लाख को 25 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 2 लाख, 2 लाख क्या आ जाएगा? 2 लाख मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर। क्लियर हो गया? तो बस नंबर ऑफ डिबेंचर लिखने के बाद यहाँ पर करिए अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट था? टू 9% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पर इशू हुए है ना। तो प्रीमियम पर 2 लाख का आप इंटू करिए, 2 लाख × 5, 2 लाख, यहां पर पेन चेंज कर दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 लाख × 5, 2 लाख × 20 एंड 2 लाख × 25। चलिए ये 2 लाख, एल मतलब लाख है, ठीक है ना, मैंने जीरो नहीं लगा दिए हैं, एल लिख दिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए 2 लाख का जब मैं 25 में इंटू करूंगी तो कितना आएगा? देखिए एक बार आप करके देखिए, 25
इंटू टू, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 50 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 40 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी पूरी एंट्री हो गई। आई होप आपको सब समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार खुद से करके देखने की कोशिश किया कीजिए, फिर आया कीजिए। देखिए यहाँ पर आंसर में भी दी है गुडविल की वैल्यू 10 लाख, हमारी भी ये 10 लाख आई है, ठीक है, क्योंकि मेन यही चीज़ है इसमें बताने के लिए, ठीक, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। ग्रोन लिमिटेड इशूड 510% डिबेंचर 1000 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कंपनी को जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी को कुछ ना कुछ उन्हें पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या किया है, कंपनी को पे करने की जगह क्या कर दिया है, कंपनी ने उसे पे करने की जगह क्या कर दिया है, उसे डिबेंचर इशू कर दिए हैं। तो ये जो डिबेंचर इशू किए गए हैं उसकी ही एंट्री करनी है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, सेकेंड इसी चीज़ में, इट इज़ ऑल्सो इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप ऑफ द अंडरराइटर्स टुवर्ड देयर कमीशन। अंडरराइटर्स को कमीशन देने के लिए भी क्या किया गया है, यहाँ पर इशू कर दिए गए हैं डिबेंचर, जो इशू किए थे वो उन्हें दे दिए गए। अंडरराइटर्स कौन होते हैं पता है ना आपको, अंडरराइटर्स वो होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि यदि आपके डिबेंचर पब्लिक द्वारा नहीं लिए गए या किसी शेयर में पड़ा था तो वो उन्हें ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बदले वो कमीशन लेते हैं, तो उनको कमीशन देने के बदले क्या किया, यहाँ पर डिबेंचर दे दिए। तो चलिए इस चीज़ की सिंपल सी एंट्री है, प्रमोटर्स की एंट्री करनी है और एक एंट्री करनी है अंडरराइटर्स की। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इनकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 500 थे, 1000 ईच के हिसाब से किया गया, तो 500 इंटू 1000 मतलब क्या हो गया, 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ 5 लाख आ जाएगा। अब इसी की सेकेंड एंट्री होती है, आपको पता ही है क्या होती है सेकेंड एंट्री, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, और यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, कितना, 5 लाख। चलिए अब अंडरराइटर्स की एंट्री कर लेते हैं, क्या है अंडरराइटर्स के लिए, देखिए अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, 100 इशू किए गए हैं 1000 के हिसाब से, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। और अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 10% ही है ना, 10% डिबेंचर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 लाख आ जाएगा। अब इन दोनों एंट्री को करने के बाद इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की एंट्री करनी है, तो वो एंट्री होगी, क्योंकि इन्हें बताना पड़ेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री करनी होगी आपको भी, अंडरराइटर्स अकाउंट, ठीक है। ये 5 लाख, ये 1 लाख और ये यहाँ पर 6 लाख, इस तरह से सिंपल सी यहाँ पर एंट्री होगी इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 6,60,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ स्टार लिमिटेड, ठीक है ना। ब्राइट लिमिटेड ने क्या करा, ले ली एसेट 6,60,000 और लाइबिलिटीज 80,000 की स्टार लिमिटेड की। अब उसने क्या किया, उसके बदले क्या किया, 60,000 10% कैश पर, मतलब 60,000 कैश कंसिडरेशन दिया, परचेज कंसिडरेशन दिया और उसमें 10% कैश दे दिया,
और बाकी बैलेंस क्या किया, 12% डिबेंचर जो 100 ईच के थे वो उनको दे दिए। अब इसमें हमें जनरल एंट्री करनी है, 3 केस दिए हैं, यदि इशू पार पर है या इशू प्रीमियम पर है या इशू डिस्काउंट पर है। सिंपल सी एंट्री है, इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले केस वन की एंट्री देखते हैं, क्या कह रहा है केस वन। केस वन क्या बोल रहा है, केस वन की यदि डिबेंचर इशू किए गए हैं पार पे, तो सबसे पहले तो एसेट्स को लेने की एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट एंड टू स्टार लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज कितनी है, 80,000 है, कितने का है यहाँ पर 6 लाख का, ठीक है ना, 6 लाख का है, और एसेट्स हैं 6,60,000 की। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लाख लिखेंगे, यहाँ पर 6,60,000 लिखेंगे। तो देखिए दोनों का बैलेंस बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6,80,000 आ रहा है, यहाँ पर 6,60,000 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक गुडविल अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 का, तो ये यहाँ पर 60,000 हो जाएगा, 60,000 नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ये क्या है, हमारा केस वन कर रहा है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि 10% इन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया, तो 6 लाख का 10% कितना हुआ, 60,000 इन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया। तो कैश में पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कैश में पेमेंट किया है, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने कैश लिख दिया। तो कितना कर दिया इन्हें, 60,000, समझ रहे हैं ना आप, 6 लाख का 10% 60,000। अब थर्ड एंट्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंट्री को करने से पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 60,000 है वो कैश में दे दिया है, 6 लाख में से जब मैं 60,000 माइनस करूँगी तो यहाँ पर आएगा 5,40,000, और यही 5,40,000 को मुझे डिवाइड करना है 100 से, क्योंकि ये एट पार पर है। तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ गया, 5,400। अब मैं जब एंट्री करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले होगा स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कितना डिबेंचर है, कितने परसेंट है बच्चों डिबेंचर, देखिए यहाँ पर डिबेंचर दिया है 12% डिबेंचर टू, 12% डिबेंचर। अब ये तो हमारा पार पर ही है, तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, 5,400 का 100 में इंटू करेंगे तो 5,40,000 यहाँ पर सिंपल आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा केस वन हो गया है, ठीक है। अब हमें केस टू में क्या करना है, डिबेंचर को इशू करना है 20% प्रीमियम पर। ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री एंड ये थर्ड एंट्री। केस टू में क्या होगा, सपोज कर लेते हैं ये केस टू है, केस टू में क्या होगा, केस टू में ये जो फर्स्ट एंट्री है और ये जो सेकंड एंट्री है वो सेम ही रहने वाली है, लेकिन जो थर्ड एंट्री है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, और साथ ही साथ नंबर ऑफ डिबेंचर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो इशू एट प्रीमियम पे किया है, मतलब 100 का जो डिबेंचर था उसे उन्होंने 120 पर इशू किया है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ डिबेंचर है 100 की जगह क्या करना पड़ेगा, 120 करना पड़ेगा। ये ऊपर का अमाउंट सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर मैं 120 कर दूंगी, तो 5,40,000 से जब 120 को डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, करके देखिए, 5,40,000 को 120 से, तो 4,500, ठीक है। तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर ये जो एंट्री है ये प्रीमियम वाली हो जाएगी, टू, है ना, ये केस टू कर रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो बस 5,400 का देखिए आप करिए, 4,500 को इंटू करेंगे किससे करेंगे, यहाँ पर 20 से, 4,500 को इंटू करेंगे किससे, 100 से,
4500 को इंटू करेंगे 120 से। तो चलिए करके देखिए हमारा क्या आता है, 4500 इंटू 120, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 540,000, यहाँ पर आ जाएगा 450,000, और यहाँ पर कितना आएगा 4500 इंटू 20, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 90,000। तो देखिए मेरा दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया ना, 540,000। तो ये क्या हो गया, प्रीमियम पर इशू करने की एंट्री हो गई। इसी तरह से अब हम ये वाला केस देखते हैं, केस थ्री में क्या हुआ है, केस थ्री में 10% डिस्काउंट पे किया है, तो हमारी सारी एंट्री सेम वही होगी, सिर्फ हमारी जो एंट्री चेंज होगी यहाँ पर हमारा चेंज होगा नंबर ऑफ डिबेंचर। क्यों होगा नंबर ऑफ डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट पे किया गया है, तो जो 100 का शेयर है कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे किया गया है, तो 100 का शेयर मेरा 90 का हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंट्री, ये थर्ड केस है, फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री सेम होगी। यहाँ पर अब हम जो करेंगे वो डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, तो ये मेरी थर्ड एंट्री होगी, तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखिए बच्चों, मैं आपका और मेरा दोनों का ही टाइम बचाने के लिए ये एंट्री दोबारा नहीं कर रही हूँ, इसी एंट्री में हमें आगे काम करना है। टू, कितना डिबेंचर था, कितना परसेंट था डिबेंचर, टू 12% डिबेंचर। जब हम 540,000 का 90 से डिवाइड करेंगे, 10% डिस्काउंट है ना, तो करिए 540,000 डिवाइडेड बाय 90, मतलब 6,000। तो बस यही करना है हमें, तो 6,000 का इंटू पहले हम 10 में करेंगे, 6,000 का इंटू हम किस में करेंगे, हम 90 में करेंगे, और यहाँ पर 6,000 का इंटू हम 100 में करेंगे। तो चलिए इंटू करके जो आएगा सॉल्यूशन उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 6 लाख, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 60,000, और यहाँ पर कितना आएगा 540,000। इस तरह से मेरे तीनों केस हो गए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपने कर लिया, समझ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी दो केस दिए हुए हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टार लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 6,60,000, लाइबिलिटीज 80,000 ऑफ मून लिमिटेड 60,000, मून लिमिटेड फॉर 6 लाख, मतलब इन्होंने क्या किया, उसकी एसेट्स ले ली 6,60,000 और लाइबिलिटीज 80,000 की, और जो पूरा उनका टुक ओवर होना था वो होना था 6 लाख का। यहाँ पर एंट्रीज करनी है, केस वन है द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेबल 10% इन कैश एंड बैलेंस इन 5400 12% डिबेंचर, और यहाँ पर क्या किया है, प्रीमियम है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, पार है, और यहाँ पर प्रीमियम है, डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद कर लेना चाहिए, पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी, तो मैं ये क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको। चलिए सबसे पहले जो एंट्री होगी केस वन के लिए, तो चलिए केस वन की एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पर, केस वन। तो सबसे पहले क्या एंट्री होगी, एसेट्स की एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना लिया है 6,60,000, लाइबिलिटीज कितना है 2 लाइबिलिटीज अकाउंट कितना है 80,000, टोटल बिजनेस कितने का लिया है, बिजनेस नहीं, टोटल एसेट्स कितने की ली हैं, किससे ली हैं, मून लिमिटेड से 6 लाख की, कितने की ली हैं 6 लाख की, तो 6,80,000 और 6,60,000 डिफरेंस है दोनों में, कितने का डिफरेंस है 20 का, तो गुडविल अकाउंट में चली जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इसमें भी कैश से पेमेंट किया है, हाँ 10% कैश से पेमेंट किया है, तो कैश की एंट्री हो जाएगी 10% की, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, बैंक भी लिख सकते हैं कोई भी, उसमें जैसा आपको लगे वैसा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कितना 6 लाख का, कितना 10%, 6 लाख का 10% कैसे कर दिया उन्होंने, कैश में कर दिया, तो 60,000। और थर्ड एंट्री है एट पार की, मतलब क्या है, यहाँ पर पार पर ही जितना था उतने में ही सारा मामला सुलझ गया। तो यहाँ पर आपको पहले, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर तो
ठीक है, कितने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर, 5,40,000 क्यों है, क्योंकि आपने 60,000 का पेमेंट कैश से कर दिया, तो 6 लाख में से जब मैं 60,000 माइनस करूंगी तो 5,40,000 आएगा। प्राइस यहां पर एट पार वाला है तो 100 ही आएगा, तो 5,400 आएगा। आप एंट्री कर लीजिए, क्या एंट्री होगी, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है ना, 5,400 का 100 में इंटू करेंगे तो 5,40,000 आएगा। ठीक है, एट पार में तो वैसे भी हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, अब इसी की सेकंड वाली जो केस है, सेकंड वाला केस सेम, ये तीन एंट्री है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड सेम है। थर्ड जो एंट्री है केस टू में, वो प्रीमियम की होने वाली है, तो चलिए करिए इस एंट्री को, हम क्या करते हैं दोनों एंट्री को लिखे रहने देते हैं, यहाँ से इसे क्लीन कर देते हैं ताकि आपका भी समय बच जाए और मेरा भी बच जाए। तो यहाँ पर कितना प्रीमियम है, यहाँ पर प्रीमियम है हमारा 20%, तो 5,40,000 को मैं जब 120 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4,500, और यहाँ पर क्या करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस इंटू करिए 5,400 इंटू 20, 5,400 इंटू कितना 100, और 5,400 इंटू 120, चलिए इनका इंटू करके देखिए आप लोग, तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, मैंने करके रखा है 5,40,000, यहाँ पर 4,50,000, और यहाँ पर कितना आएगा 90,000। तो इस तरह से ये प्रीमियम की एंट्री हो गई। ठीक है, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन थे ये, अलग अलग कुछ भी नहीं था। आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, यदि आपको कोई डाउट होता है या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। बाय बाय।